दवेड़ा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंपनी का शासन। पिछले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था वो क्या था, कंपनी के शासन का जो है पार्ट वन था कह सकते हैं, और ये जो है कंपनी के शासन पार्ट टू का है वीडियो। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें हमने देखा था कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनको जो है बंगाल के जो गवर्नर थे उनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था। उसे 1773 के बाद एक 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स वो लेके आए थे। उसके बाद हमने देखा था 1793 का चार्टर कानून। तो इनके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने इसके बारे में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी को जो कंपनी है कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की एक कंपनी थी। और ब्रिटेन का जो क्राउन है, मतलब ब्रिटेन का जो शासन था, उसने जो है क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक एकाधिकार दिया था कि वो आप जाओ और भारत में जो है आपको अपना बिजनेस करना है। और इस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था, मतलब एकाधिकार प्राप्त होने का मतलब है कि कोई भी जो है ब्रिटेन की कोई भी दूसरी कंपनी आके भारत में जो है बिजनेस नहीं कर सकती। तो और क्राउन क्या कर रहा था, जो ब्रिटेन का जो शासन था वो हर एक 20 साल के बाद जो है कंपनी के इस एकाधिकार को बढ़ाते जा रहा था। तो 1793 के बाद 20 साल बाद आता है 1813 का चार्टर कानून। इस कानून में क्या था कि इसने क्या किया, 1813 जो वो जो समय था वो क्या था, औद्योगिक क्रांति का समय था, औद्योगिक क्रांति। और इस समय क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में जो है बहुत सारे जो है कंपनियां जो है इमर्ज हो रही थी। तो बहुत सारी जब कंपनियां इमर्ज हो रही थी तो वो कंपनियां भी जो क्या गई क्राउन के पास गई, वो राजा के पास गई वहां पे, और उन्होंने कहा कि हमें भी जो है इंडिया में जो है व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो वहां का जो क्राउन था उसने क्या किया, 1813 का जो चार्टर कानून लाया गया, उस कानून में उन्होंने क्या किया कि भारत में जो है कंपनी का एकाधिकार जो है खत्म कर दिया। एकाधिकार खत्म करने का मतलब है कि उन्होंने बिजनेस का जो एकाधिकार था वो खत्म कर दिया। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखने वाली चीज है कि जो चाय का बिजनेस था भारत में, जो चाय लेके आए थे वो चाय सबसे पहले अंग्रेज ही भारत में लेके आए थे। और आज क्या है, इंडिया जो है चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब उत्पादक है। और चाय के साथ चाय का जो बिजनेस था इंडिया में उस पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का ही था। और चीन के साथ जो व्यापार था, जो चीन के साथ जो व्यापार था उस पर भी कंपनी का एकाधिकार अभी बना हुआ था। तो दो मैटर आपको याद रखना है, एक चाय के साथ और एक चीनी, चीन के साथ जो है, अब समझ लो चाय और चीनी दोनों के साथ जो है एक अधिकार जो है कंपनी का अभी बना हुआ था, बाकी मामले में कंपनी का एक अधिकार जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद जो ईसाई मिशनरीज है उनको जो है यहाँ पे लोगों को प्रबुद्ध करने की, मतलब यहाँ पे आगे प्रचार करने की और ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की जो अनुमति मिली इस चार्टर में, 1813 के चार्टर कानून में। उसके बाद एक और यहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार यहाँ पे शुरू किया गया। और इसके लिए जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और यहाँ पे इंडिया में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए उस समय की सरकार ने जो है 1,00,000 रुपए का जो है अनुदान दिया था, मतलब 1,00,000 रुपए जो है सैंक्शन किया गया था। तो ये जो है 1813 के जो है कानून से जो है तीन मेन पॉइंट निकल जाते हैं, कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया अदर देन चाय और चीनी के साथ, ईसाई मिशनरियों को जो है प्रचार प्रसार की अनुमति मिली, और पश्चिमी शिक्षा तथा प्रचार प्रसार जो है शुरू हो गया। कब हुआ, तो ये 1813 के कानून के बाद। उसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्टर कानून और ये जो लिखा हुआ है ये चार्टर अधिनियम लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो इसी अधिनियम में छुपा हुआ था। क्या हुआ था कि जो पहले के कानून थे उनको नियामक कानून, मतलब यहाँ अभी तक 1833 से पहले जो भी कानून आए थे, आपने 1773 का देखा, 1793 का देखा, 1884 का देखा या 1813 का देखा, उन सब कानून को जो है नियामक कानून बोला गया। और इसके बाद 1833 के बाद जो भी कानून आए उनको जो है कानून एक्ट या अधिनियम बोला गया था। इसीलिए इसे जो है 1833 का चार्टर अधिनियम बोला जाता है और इससे पहले वाले जो भी है तो उसको चार्टर कानून बोला जाता है। अब इस 1833 में जो है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, तो यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इसे जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ऐसे पहले भारत के जो है गवर्नर जनरल बने, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो आपको याद रखना है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे,
तो उनका भी नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये कब हुआ था, तो ये 1833 अधिनियम में हुआ था। और इस कानून के तहत क्या था कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको जो है असीमित शक्तियां दे दी गई। और इस असीमित शक्तियां देने के कारण क्या हुआ कि जो जो हमारा मद्रास था, जो मद्रास और जो बंबई था, यहाँ के जो जनरल थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनको तो पहले ही मतलब 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत ला दिया गया। और इस कानून के तहत 1833 कानून के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को, मतलब जो उस समय के जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको असीमित कानून मतलब अधिकार देके मद्रास और बंबई के भी गवर्नर जनरल के पास जो भी शक्तियां थी उन सारी शक्तियों को छीन लिया गया। और ये इससे जो है भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में जो है बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है। और ये जो है मतलब 1773 में जो भारत के केंद्रीयकरण की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरह से कहे तो 1833 में जाके पूरी हो गई थी। उसका काउंसिलिंग के जो सदस्य थे, जो पहले आपने देखा कि जब 1773 में एक गवर्नर जनरल की सहायता के लिए काउंसिलिंग एक कमेटी की स्थापना की गई थी, इसमें 4 सदस्य थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि 1784 में जो है इन सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। तो अभी तक इन सदस्यों की संख्या 3 ही थी, लेकिन 1833 में क्या किया कि जो काउंसिलिंग के सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाकर फिर से जो है 4 कर दी गई। और ये संख्या थी ये क्या थी, 3 तो पहले जो थे वो, और एक जो है इसमें लॉ मेंबर जिसको विधि सदस्य भी बोलते हैं, तो एक लॉ मेंबर को जो है इसमें ऐड कर दिया गया। और ये जो लॉ मेंबर थे वो लॉर्ड मैकाले थे। ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो है पहले जो है विधि सदस्य के अलावा जो है पहले जो है विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। ये याद रखना है, विधि सदस्य पहला विधि सदस्य भी लॉर्ड मैकाले हैं, और विधि आयोग का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो भी लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ये एक लॉ मेंबर थे। तो टोटल जो है पहले 3 थी, अब जो है काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या 4 हो गई। उसके बाद जो है कंपनी का एक अधिकार जो था यहाँ पे जो चाय के साथ और चीनी के साथ, मतलब चीन के साथ जो था वो कंपनी का एक अधिकार अब पूरी तरह खत्म हो गया था। मतलब अब कंपनी के अलावा जो है बाकी दूसरी कंपनियां भी यहाँ पे इंडिया में चाहे किसी भी जगह पे व्यापार कर सकती थी। और क्योंकि इस समय जो 1820 के आस का टाइम जो कहते हैं हम औद्योगिक क्रांति का टाइम ही है, 1820 का जो दशक था, तो 1837 आते तक पूरी तरह बहुत सारी कंपनियां इमर्ज हो गई थी ब्रिटेन में और बाकी दुनिया में भी। तो ब्रिटेन के काम को पैसे से मतलब था, तो उन्होंने क्या किया कि EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो है एकाधिकार को खत्म करके बाकी कंपनियों को भी क्या किया उन्होंने अधिकार दिया कि आप जाके इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो प्रावधान आया गया था वो क्या था कि सिविल सर्विसेज के लिए जो है खुली प्रतियोगिता का सुझाव तो दिया गया था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनकी बात हमने जो है 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में की थी, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके विरोध के कारण क्या हुआ कि इस आइडिया को जो है ड्रॉप कर दिया गया। ये जो है सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का सुझाव तो दिया गया, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटेन से थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ये याद रखना है। ये जो है सारे के सारे जो कहते हैं ब्रिटिश थे, और इन्होंने जो है इसका पूरा विरोध किया। इसके कारण क्या हुआ कि इसको जो है हटा दिया गया, इसका जो है काम खत्म वहां से। अब जो है हमारा अंतिम जो कंपनी के शासन में जो हमारा अंतिम ये जो आता है वो 1833 का चार्टर अधिनियम था। अच्छा, ये 1833 वाले में एक यह था कि EIC को जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पहले का था एक बिजनेस इकाई था, बिजनेस डिवीजन था, इसको जो है विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। मतलब अब जो है इसका जो बिजनेस वाला काम था वो लगभग खत्म हो गया और ये जो है इंडिया पे अपने प्रत्यक्ष रूप से इंडिया में जो है शासन करने लगा। अब हमारा जो अंतिम अधिनियम है वो है 1853 का चार्टर अधिनियम, और ये अंतिम इसलिए है क्योंकि 1857 में क्या होता है 1857 में हमारा पहला जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का शासन जो है 1858 में कंपनी का शासन जो है यहाँ से कंपनी के हाथों से आके क्राउन के पास चला जाता है। 1858 क्या होता है क्राउन के पास, मतलब जो ब्रिटेन का जो ताज होता है वो डायरेक्टली इंडिया के शासन को अपने अंदर ले लेता है। तो क्या हुआ 1853 का जो चार्टर अधिनियम था यहाँ पे जो है एक गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य थे, और इन 6 सदस्यों में से क्या हुआ कि जो 4 सदस्य थे इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। ये कैसे की गई, तो यहाँ पे जो 6 सदस्य थे इन 6 में से जो 4 सदस्य थे वो इंडिया के 4 अलग अलग प्रांतों से चुनकर आने वाले थे। ये प्रांत कौन कौन थे, बंबई, दिल्ली या दिल्ली बोलते हैं इसको, जैसे दिल्ली, आगरा और कलकत्ता। आपको ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि आगरा एक यहाँ पे नया नाम है क्योंकि आपने देखा होगा बंबई एक प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के समय,
जो हमारी दिल्ली थी वो भी एक प्रेसिडेंसी थी, और कलकत्ता थी, सॉरी बम्बई के साथ मद्रास, दिल्ली नहीं मद्रास, मद्रास भी एक प्रेसिडेंसी थी, और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें कोलकाता उसकी राजधानी बन गया था। तो बम्बई मद्रास और कलकत्ता से तो आते ही थे, आगरा एक नया जगह था, क्योंकि आगरा में जो उस समय था क्या है, तो शासन का केंद्र था, मतलब जो मुगल समय थे उनके शासन का केंद्र जो है आगरा और दिल्ली हुआ करता था। तो इन चार जगहों से जो है, इस छह में से चार से दस जो है इन चार जगहों से चुनके आने वाले थे, इसीलिए जो है इसे स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की बात इसमें की गई है। उसके बाद जो है सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो है यहाँ से शुरू हो गया। 1853 वाले एक से क्या हुआ, जो सिविल सर्विसेज है, जो ICS होता था इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उसके लिए जो है खुली प्रतियोगिता का शुरुआत जो है 1853 वाले चार्टर अधिनियम से जो है शुरू हो गया था। और उसी के साथ एक और काम जो किया गया था कि मैकाले समिति, मैकाले कौन थे यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉर्ड मैकाले जो क्या थे, विधि सदस्य थे, मतलब लॉ मेंबर थे, तो उनकी अध्यक्षता में जो है 1854 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था मैकाले समिति। और ये समिति थी एक्चुअली में एजुकेशन के लिए थी, एजुकेशन के लिए। और कहे तो कमोबेश हम अभी भी जो है मैकाले ने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उस समय, एजुकेशन जो पॉलिसी बनाई थी, हम अभी भी कमोबेश कहीं ना कहीं उस पॉलिसी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मैकाले ने क्या किया था उस समय, उन्होंने जो है इंग्लिश को जो है एज ए कहे तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में ज़्यादा बात करते थे। और इस समय एक चीज़ और हुई थी कि 1837 में, 1837 में जो है इस रूल के बाद और इसके पहले, इस अधिनियम के पहले जो इंग्लिश था इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, 1837 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। और हम जो है तो उसके बाद जो है जब मैकाले समिति का गठन हुआ तो इन्होंने भी इंग्लिश को ज़्यादा फोकस किया, और हम इस चीज़ को लेकर अभी भी ढो रहे हैं कहे तो। तो हम मैकाले का जो एजुकेशन पॉलिसी था उसको हम कम बस अभी भी लेके चल रहे हैं। और उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था कि समय का निर्धारण नहीं किया गया था। समय का निर्धारण नहीं मतलब जैसे आप देखोगे बाकी सारे जो भी कानून थे, जैसे 1813 था, 1873 था, 1893 था, या 1833 था, इस सब में जो है कंपनी के शासन को जो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अब क्या रहा था कि 1853 तक आ जाते ये टाइम आ गया था जब इंडिया में जब आप हिस्ट्री का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 1853 तक आते थे बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह जो है इंडिया के अलग अलग प्रांतों में जो है हो रहे थे। तो क्राउन को भी लग गया था कि जो कंपनी का जो शासन है जो हमारे इंडिया में वो जो है ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो अब उनका शासन जो है हमें अपने हाथों में लेना होगा, बस वो एक मौके की तलाश कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने जो कोई समय निर्धारण नहीं किया था, मतलब इसका मतलब ये था ये जो है कंपनी के शासन को, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसी, इसके शासन को कभी भी ये जो है खत्म कर सकते थे, इनका जब भी मन होता वो कंपनी के शासन को खत्म कर सकते थे। तो इसीलिए जो है इसमें समय निर्धारण नहीं था, और ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्रिटेन का क्राउन भी जो है अब इंडिया का जो शासन है वो अपने हाथों में लेना चाहता था, क्योंकि अब इंडिया से जो है बहुत सारा जो है मतलब क्या है प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही थी, बहुत सारा पैसा आ रहा था कंपनी के पास। तो दोस्तों ये था इस पूरे कंपनी का शासन का पूरा जो है खत्म होता है। और अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे वो अगली वीडियो में हमारा फोकस हुआ कहाँ पे, क्राउन के साथ, मतलब ताज का जो शासन बोलते हैं, ताज का शासन। और ताज का जो शासन था वो कब से कब था, वो हमारा 1858 से शुरू हो गया जब हम आजाद हो गए, मतलब 1947 तक। तो अगले कुछ वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।